नमस्कार, डेली डेरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के गुरुग्राम में जबरन एक मुस्लिम युवक की दाढ़ी काटने और उसके साथ मारपीट करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पीड़ित जब शिकायत लेकर संबंधित थाने पहुंचा तो पहले पुलिस आनाकानी करती रही, लेकिन मामला सुर्खियों में आ जाने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना गुरुग्राम के सेक्टर 37 की है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने जफरुद्दीन नामक युवक को पकड़ लिया और उसके साथ बदसलूकी करने लगे। उसकी दाढ़ी देखकर उस पर टिप्पणी करने लगे। इसके बाद भी बदमाश युवक को एक नाई की दुकान में ले गए और उसे जफरुद्दीन की दाढ़ी काटने के लिए कहा। नाई ने उसकी दाढ़ी काटने से मना कर दिया। इसके बाद उन असामाजिक तत्वों ने नाई और उस युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। उन गुंडों ने जफरुद्दीन को दुकान में रखी सीट से बांध दिया और फिर नाई से जबरदस्ती उसकी दाढ़ी कटवा दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए। जफरुद्दीन गुरुग्राम सेक्टर 29 में होटल चलाता है। 31 जुलाई की शाम 6 बजे वो अपने दोस्त इब्राहिम के साथ गुरुग्राम खानसा मंडी में सब्जी लेने गया था। उसी दौरान ये घटना हुई।